good morning students good morning mom okay so in last lecture already we have seen the t-test example but there are some issues or there are some doubts in that example so i'm just repeating that example in five minutes then whatever are your doubts we will solve it and then we'll go with our next <laughs> Uh, please mute everyone yourself. So uh, again, I am just showing what is the example we have seen on the Friday. So example is that some brown hairs were found on the clothing of a victim at a crime scene. The five of the hairs were measured, and having the values like 46, 57, 54, 51, and 38 micrometer. This is the value. Then next. A suspect is the owner of a shop with a similar brown hair. A simple a sample of the hair has been taken and their widths measured like 31, 35, 50, 35, 36 micrometer. And here the question is Is it possible that the hair found on victim were left by the suspect? जो दोनों हेयर लिए है वो दोनों सिमिलर है या नहीं यानी विक्टिम की जगह पे लिए हुए हेयर एंड जो सस्पेक्ट है जो ओनर है जिसको सस्पेक्ट कंसिडर कर रहा है जो पुलिस है उसने उसके जो हेयर लिए है दे सिमिलर और नॉट तो हियर द क्वेश्चन इज सिमिलर और नॉट तो इसमें नल हाइपोथेसिस होगा यस दे आर सिमिलर और अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा तो अल्टरनेट क्या सिलेक्ट होगा नो दिस टू आर नॉट सेम दोनों क्या है डिफरेंट है ओके एंड वी हैव टू डू द द टेस्ट एट अल्फा लेवल एट फाइव परसेंट फाइव परसेंट यानी जिसकी वैल्यू होती है जीरो पॉइंट जीरो फाइव ये वैल्यू यूजफुल होती है जब आपको टेबल में टी स्टार की यानी क्रिटिकल वैल्यू जब आपको चेक करनी है सिग्निफिकेंस लेवल जो है ये फाइव परसेंट है, है या टेन परसेंट है या ट्वेंटी परसेंट है तो यहाँ पे फाइव परसेंट दिया हमारी वैल्यू रहने वाली है ओके सो आई है फ्रॉम वन ऑफ द बुक सो आई है बुक ऑल्सो हि नाउ हियर वी नो दैट टू फाइंड आउट द टी टेस्ट आर फॉर्मूला इज इसके लिए जो हमारा फॉर्मूला है यहाँ पे यहाँ पे फॉर्मूला क्या है टी को जब हमको फाइंड आउट करना है एक्स वन बार माइनस एक्स टू बार मतलब जो दो डेटा सेट है हमारे पास फर्स्ट डेटा सेट यानी जो हेयर विक्टिम की जगह से मिला है और सेकेंड जो हेयर हमने जो शॉपकीपर है शॉप ओनर है उससे जो दो डेटा सेट है दोनों का हम मीन निकालने वाले ओके एंड डिवाइड बाय Square root of okay standard deviation of first data set divided by the number of samples in first data set plus standard deviation of second data set divided by the number of samples in second data set. Okay, so uh, this is the formula, and using this formula, we are going to perform this. So here we have created one table. एंड रिटर्न द वैल्यू ऑफ फर्स्ट डेटा सेट एंड सेकेंड डेटा सेट फर्स्ट हेयर जो लिए थे विक्टिम की जगह से उसकी वैल्यू लिख ली है उसका जो थिकनेस है उसकी वैल्यूज हमने यहाँ पे लिख दी ना वी हैव टू फाइंड आउट दोनों का एवरेज मतलब दोनों का मीन और दोनों का स्टैंडर्ड एवियशन वी है टोटल टोटल निकालने के बाद उसका एवरेज निकाला है ओके एंड वी हैव फाइंड आउट द स्टैंडर्ड एवियशन

ऊपर जो वैल्यूज है उसकी वैल्यू हमको यहाँ पे मिल गई है ओके नाउ सेकेंड ओके तो अभी हमको दोनों जो मीन निकाला है हमने उसका क्या निकालना है डिफरेंस निकाला है बिकॉज फॉर्मूला क्या है हमारा x1 वन बार माइनस एक्स बार इसके लिए दोनों की जो मीन की वैल्यू आई उसको हमने क्या किया यहाँ पे माइनस कर दिया और यहाँ पे हमको ये वैल्यू मिल गई मतलब Uh, uh, जो है उसकी वैल्यू हमको मिल गई डिनोमिनेटर right. जो है में हमको स्टैंडर्ड एविएशन की वैल्यू बाय द नंबर ऑफ सैंपल्स, इसकी वैल्यू हमको निकाली ओके सो हियर वी है डिनोमिनेटर वैल्यू ऑफ और टी फॉर्मूला तो जिसका फॉर्मूला क्या है डिनोमिनेटर में स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ फर्स्ट वैल्यू स्क्वे

जो डिनोमिनेटर है उसकी वैल्यू आ गई है, हमारी which is nearly equal to तो हमको टी की वैल्यू मिल जाएगी ओके सो नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टी तो टी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमने जो डिफरेंस ऑफ मीन निकाला है उसको डिवाइड करेंगे थर्ड स्टेप में जो हमने वैल्यू फाइंड आउट की थी दैट इज फोर पॉइंट सिक्स सेवन उससे हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ गया इलेवन पॉइंट एट डिवाइडेड बाई फोर इक्वल टू टू पॉइंट फाइव टू सेवन तो अभी यहाँ पे देखो जो टी की वैल्यू आई है सो हियर द वैल्यू ऑफ टी इज नियरलीवल टू टू पॉइंट फाइव थ्री अभी आप ये याद रख लो कि टी की वैल्यू जो आई है वो है टू पॉइंट फाइव थ्री देन नेक्स्ट अभी हमको वैल्यू कैलकुलेट गाल्यू करनी है टी स्टार की यानी क्रिटिकल वैल्यू ओके okay, और फिर हम कंपेयर करेंगे टी वैल्यू विथ टी स्टार वैल्यू और फिर हम चेक करेंगे कि नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट किया जाएगा या रिजेक्ट किया जाएगा लेकिन टी स्टार क्रिटिकल वैल्यू जो है टी स्टार ये कैलकुलेट करने के लिए हमको लगता है डिग्री ऑफ फ्रीडम तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का फार्मूला बहुत इजी है नंबर ऑफ सैंपल्स इन डेटा सेट 1 प्लस नंबर ऑफ सैंपल्स इन डेटा सेट 2 दैट इज n1 n2 2 तो दोनों दोनों डेटा सेट में हमको पता है हमारे पास फाइव फाइव हेयर है, के सैंपल थे इसके लिए फाइव प्लस फाइव माइनस टू तो वैल्यू आ गई हमारे यहाँ पे एट अब ये एट वैल्यू को क्या करना है हर एक जो स्टैटिस्टिक के टेस्ट दिए होते हैं हर टेस्ट के लिए प्रीडिफाइंड कुछ टेबल दिए गए हैं उस टेबल में से हमको ये वैल्यू कौन से रो पे देखनी है ये बताता है हमको डिग्री ऑफ फ्रीडम सो हमको पता चल गया कि डिग्री ऑफ फ्रीडम इज द वैल्यू इज एट सो नाउ आई हैव टेकन वन स्नैपशॉट ऑफ द टेबल यू इज फॉर फाइंडिंग द टी टेस्ट सो टी टेस्ट के लिए टी स्टार की वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये एक टेबल है जो यूज किया जाता है ओके सो हियर वी आर हैविंग अ टू डेटा सेट तो यहाँ पे हमारे पास एक डेटा सेट नहीं है ये वैल्यू कब यूज करनी है ऊपर वाली जब सिर्फ एक डेटा सेट है और उसकी कुछ वैल्यू करनी है हमारे पास दो सैंपल्स है दो डेटा सेट है इसके लिए हम जो सेकेंड रो की वैल्यू है वो हम लेने वाले सेकेंड रो में जो सिग्निफिकेंस लेवल है उसकी वैल्यू दी है जैसे जीरो पॉइंट फाइव जीरो पॉइंट टू जीरो पॉइंट टेन एंड जीरो पॉइंट जीरो फाइव तो हमको जो सिग्निफिकेंस लेवल दिया था क्वेश्चन में इज इक्वल टू और हमारे पास दो टेटा सेट है इसके लिए हम नीचे की ये जो ये जो वैल्यूज वैल्यू करने वाले हैं और इसमें से कौन सी वैल्यू हमको लेनी है जो डिग्री ऑफ फ्रीडम के एट नंबर के रूप आने वाली है तो एट नंबर के रूप पे जो वैल्यू आने वाली है वो कौन सी है हमारी दसवन दू पॉइंट थ्री इसके लिए हम ये वैल्यू कंसर करने वाले ओके

टी स्टार से क्रिटिकल वैल्यू से तो अभी हमारा जो फॉर्मूला है उसमें अगर टी की वैल्यू ये क्रिटिकल वैल्यू टी स्टार से ग्रेटर है तो हमारा नल हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट होता है ओके okay, तो हमारे केस में टी की वैल्यू 2.5 दिस इज ग्रेटर मतलब से है। इसके लिए हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया और नल हाइपोथेसिस क्या था कि जो हेयर है जो विक्टिम की जगह पे मिले थे और जो हेयर है जो हमने सस्पेक्ट यानी शॉप ओनर के लिए थे दोनों सेम है यह हमारा नल हाइपोथेसिस था अब वो रिजेक्ट हो गया इसका मतलब क्या है कि दोनों सैंपल्स क्या है डिफरेंट है जो शॉप ओनर है वो विक्टिम नहीं है विक्टिम विल बी सॉरी वो सस्पेक्ट नहीं है वो कोई तो दूसरा है ओके okay. लेकिन अगर यहाँ पे हमारी टी की वैल्यू ये क्रिटिकल वैल्यू से लेस आती थी तो हमारा नल हाइपोथेसिस जो है वो एक्सेप्ट होता था यानी फिर हम बोलते थे कि दोनों जो डेटा सेट है वो सेम है जिसने विक्टिम मतलब सस्पेक्ट और विक्टिम दोनों क्या है सेम है दोनों यहाँ पे सेम है सो आई होप टी टी टेस्ट जो है ये समझ में आया आया होगा आपको तो इसके जो स्टेप्स है steps होते सबसे पहले जो दोनों डेटा सेट है उसका मीन निकालो उसका स्टैंडर्ड एविएशन निकालो थर्ड स्टेप में दोनों की जो मीन की वैल्यू आई है उसका डिफरेंस निकालो फोर्थ स्टेप में जो स्टैंडर्ड एविएशन आए हैं उसको रूट में डाल के ओके okay? उस स्टैंडर्ड एवियशन को स्क्वायर करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल करके और जो फॉर्मूला है उससे वैल्यू निकालो फोर्थ स्टेप में हमको टी की वैल्यू जो फॉर्मूला कैलकुलेट करना है सिक्स स्टेप में यूजिंग डिग्री ऑफ फ्रीडम टेबल में चेक करना वो वैल्यू लेवल एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको टी क्रिटिकल वैल्यू मिलेगी एंड लास्ट स्टेप इज

Non-parametric test, the t-test is from parametric test, and now the next is non-parametric test. The example we are going to see is a Wilcoxon ransom test. So now what are the advantages of parametric test or Wilcoxon ransom test? Very first is it can be used with all skills. In one of my lecture already I have told that there are four types of data scale that is rational, nominal, interval, etc. etc. So all four types of scales. So for every scale, non-parametric test can be used. Again, it is very easier to compute. It does not make assumption or make very fewer assumptions. एंड इट नीड नॉट इन्वॉल्व पॉपुलेशन पैरामीटर मतलब इसके अंदर मीन स्टैंडर्डेविएशन वैरियंस ये कुछ भी आपको निकालने की जरूरत नहीं होती इसके लिए इसका इसको कंप्यूट करना वेरी इजी एंड रिजल्ट मे बी एज एग्जैक्ट एज पैरामीट्रिक प्रोसीजर ओके बट देर आर समिस पैरामीट्रिक टेस्ट दैट इज इट मे वेस्ट इन्फॉर्मेशन दैट मीन्स पैरामीट्रिक मॉडल इज मोर इफिशियंट दैन द नॉन पैरामीट्रिक

ऐसे इसके लिए भी हर टेस्ट के लिए जो क्रिटिकल वैल्यू निकालनी पड़ती है सो दिस टेबल्स आर नॉट वाइडली अवेलेबल बहुत इजीली अवेलेबल नहीं हर टेस्ट के लिए सो दिस समिस टेस्ट सम पॉपुलर नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट इज मैंने लिस्ट में नहीं लिखा है लेकिन ये यूज होता है साइन टेस्ट देन विलकॉक्सन रैंक टेस्ट विलकॉक्सन साइंड रैंक टेस्ट बट इन योर Syllabus only one test is mentioned that is Wilcoxon Ransom test. We will see how to solve this test. What is the procedure for that? So it's very easy. First is uh, we don't have to make any assumptions. Okay. So uh, in t test we have to make some null hypothesis. Likewise, so assumptions are there. Here are uh, either no assumption or very few assumptions you have to make.

एन वन मतलब डेटा सेट वन का सैंपल एन टू मीन डेटा सेट टू का सैंपल ये जितने भी सैंपल्स है हर एक को हमको रैंक देना है रैंक विल स्टार्ट फ्रॉम वन टू थ्री फोर फाइव ऐसे हमको रैंक देना है असेंडिंग ऑर्डर में If unequal sample size, अगर दोनों डेटा सेट में जो सैम्पल्स है वो उनकी साइज सेम नहीं है किसी में फोर सैंपल है किसी में फाइव है किसी में फाइव है किसी में टेन है मतलब अनईक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है देन एन वन मतलब जिस सैंपल की साइज स्मॉलर है उसको हम एन एन वन बोलेंगे जिस डेटा सेट में सैंपल नंबर ऑफ सैंपल की साइज ज्यादा है उनको उसको हम बोलेंगे एन टू सो एन वन मीन्स सैंपल्स और डेटा सेट द स्मॉलर सैंपल साइज एंड एन टू द डेटा सेट द लार्जर सैंपल साइज इफ बोथ हैविंग द अनइक्वल सैंपल साइज लेकिन दोनों में अगर सेम है तो किसी को भी आप एन वन और एन टू बोल सकते हो

तो एन वन में जो सैंपल्स है उनको जो हमने रैंक दिए होंगे उसकी जो एडिशन आएगी वो एडिशन को हम यूज करेंगे टेस्ट के लिए तो वो वैल्यू बन जाएंगी मेरी टी की वैल्यू ओके एंड देन हियर नल हाइपोथेसिस इज ऑब्वियसली बोथ सैंपल्स आर सेम मीन्स बोथ सैंपल्स आर कमिंग फ्रॉम द सेम अंडरलाइंग डिस्ट्रीब्यूशन और इसका अपोजिट क्या होगा नो बोथ आर फ्रॉम नॉट From the similar distribution, they are different one. Okay. So here we will take one example. You just uh, uh, understand the example very properly. क्योंकि दो या तीन बार इसका example uh, university question paper में पूछा गया है. तो आप बहुत अच्छे से समझ लो example को कैसे solve करना है. And after that, if you are having any doubt, we will solve it. So here एक example दिया है. You are a product Production planner, आप एक प्रोडक्शन प्लानर हो एंड यू वॉन्ट टू प्रोडक्ट जो है वो मैन्युफैक्चर किए जाते हैं एंड यू कि दोनों के जो फैक्ट्री के जो रेट है प्रोडक्ट के वो सेम है या नहीं है ओके सो फॉर फैक्ट्री वन द रेट्स आर सेवन एटी टू सेवन 88. फैक्ट्री वन में फाइव सैंपल्स है और पांचों के रेट्स दिए हैं। नाउ फॉर फैक्ट्री टू द रेट्स आर यू कैन सी देर आर ओनली फोर सैंपल्स तो अब यहाँ पे दो जो डेटा सेट है दोनों में नंबर ऑफ सैंपल एन वन और एन टू की वैल्यू सेम नहीं है एक में फाइव सैंपल है एक में फोर सैंपल है ओके तो डेटा फैक्ट्री जो टू है उसकी जो रेट्स है एटी फाइव एटी टू नाइन्टी फोर एंड नाइन्टी से तो ऑब्वियसली जिस फैक्ट्री में जिसमें नंबर ऑफ सैंपल्स कम होते हैं उसको हम एन वन बोलेंगे तो फैक्ट्री टू के जो वैल्यूज है ये सब एन वन बन जाएंगे फैक्ट्री वन के जो वैल्यूज है ये टोटल फाइव वैल्यूज है ग्रेटर है इसके लिए हम इसको बोलेंगे एन टू जिसमें सैंपल्स कम वो एन वन जिसमें सैंपल्स ज्यादा वो बन गया एन टू दिस इज अ स्टेप वन ओके okay. और यहाँ पे उन्होंने जो सिग्निफिकेंस लेवल दिया है दैट इज ए पॉइंट जीरो अल्फा की वैल्यू जो है जीरो पॉइंट जीरो फाइव है सो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट ये प्रोसीजर ये जो एग्जांपल है सॉल्व करने के लिए वी रिक्वायर एच जीरो मीनस नल हाइपोथेसिस एच ए इज अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस अल्फा में सिग्निफिकेंस लेवल एन वन एन टू मतलब नंबर ऑफ सैम्पल्स जिसमें स्मॉलेस्ट है दैट इज देन स्मोलेस्ट क्रिटिकल वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है टेस्ट का हमारा क्या होगा? कि दोनों आइडेंटिकल के के है? है, है। नहीं है तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस ऑब्वियसली क्या होगा कि आधर फैक्ट्री वन या फैक्ट्री टू किसी एक के रेट्स क्या है दूसरे से ज्यादा है इसका मतलब आइधर फैक्ट्री वन जो है मतलब लेफ्ट में शिफ्ट होगा मतलब क्या फैक्ट्री वन के रेट ज्यादा होंगे या फिर राइट right में जब शिफ्ट होगा मतलब फैक्ट्री टू के रेट ज्यादा हो गए okay? और नल मतलब दोनों के फैक्ट्री के रेट सेम है अल्फा की वैल्यू ऑलरेडी दी है हमको दैट इज इज सिग्निफिकेंस लेवल 0.05 वो लिख दिया अभी हमारी फैक्ट्री टू जो है उसमें नंबर ऑफ सैंपल्स कितने दिए थे फोर इसके लिए एन वन की वैल्यू फोर आ गई और सेकंड फैक्ट्री के में हमारे पास फाइव टोटल रेट दिए गए थे इसके लिए एन की वैल्यू आ गई फाइव सो दिस इज हाउ यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अल्फा एन एंड एन नाउ अब हमारे पास यहाँ पे ये यह जो टेबल है जैसे हमारे पास टी में एक टेबल दिया था ऐसे ही यहाँ पे हमको एक टेबल दिया गया है अब इस टेबल में एन वन और एन टू अगर आप देखोगे यहाँ पे दिस इज द एन वन एंड दिस इज आर एन टू ओके अब हमको पता है एन वन की वैल्यू क्या है हमारी फोर है नंबर ऑफ सैंपल कितने हैं फोर है और एन टू की वैल्यू क्या है फाइव है नंबर ऑफ सैंपल फाइव है यानी फोर और फाइव ये इंटरसेक्शन कहाँ पे हो रहा है हमारा यहाँ पे ये यह वैल्यू पे ओके okay, तो ये हमको देता है टी एल मतलब वैल्यू लोअर वैल्यू एंड क्रिटिकल वैल्यू टी एट अपर वैल्यू तो हमको लोअर और अपर ये वैल्यू दे दी है तो इलेवन इज लोअर 29 इज अपर तो 11 और 29 के बीच में की जो रेंज है क्या रहेगी इसके बीच में की रेंज That is 12 and 18, मतलब 11 के 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 आगे 12 और 29 के के आगे और तो इन दोनों बीच में की क्या जाएगी ये ये जो रेंज है ये क्या हो गया हमारा क्रिटिकल रेंज हो गया तो हमको टी स्टार की वैल्यू मिल गई इस टेबल से तो ये टेबल को देखना है हमको एन वन और एन एन टू के वैल्यू के साथ हमको क्रिटिकल रेंज यहाँ पे मिल गई है ओके okay, अब ये क्रिटिकल रेंज जो है मैंने यहाँ पे टेबल में डाल दी है टेबल में अगर ट्वेल्व और ट्वेंटी एट इसके बीच में अगर आता है तो ये वैल्यू क्या हो गई डू नॉट रिजेक्ट मतलब नल हाइपोथेसिस इसके बीच में रिजेक्ट नहीं होगा लेकिन अगर ट्वेल्व के नीचे जाएगा यानी इस टेस्ट स्टैटिस्टिक्स जो है इसकी वैल्यू अगर ट्वेल्व के नीचे या फिर ट्वेंटी एट के अबो मतलब इलेवन से पहले और ट्वेंटी 29 नाइन प्लस ट्वेंटी 29 अगर यह इस कोई भी रेंज में जाता है तो हमको क्या करना है नल हाइपोथेसिस वो केस में रिजेक्ट करना है लेकिन नहीं होगा वो एक्सेप्ट किया जाएगा ओके okay, तो ये हमने एक रेंज डिसाइड कर ली statistic. ना वी लिए हमारे पास जो सैंपल्स दिए हैं फैक्ट्री वन के रेट और फैक्ट्री टू के रेट यह हम लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में तो यहाँ पे हमने फैक्ट्री वन के रेट लिख दिए फैक्ट्री टू के रेट लिख दिए ओके एंड इन असेंडिंग ऑर्डर तो अब देखो यहाँ पे सबसे लोएस्ट वैल्यू जो है इन दोनों में सबसे लोएस्ट वैल्यू क्या है सेवेंटी वन है इसके लिए इसको हमने दे दिया रैंक वन देन एटी सेवेंटी सेवन उसके उससे सेकेंड लोएस्ट है इसके लिए हमने दे दिया रैंक टू उसके बाद नेक्स्ट जो है दोनों में एटी टू वैल्यू आ रही है देखो फैक्ट्री वन एंड फैक्ट्री टू दोनों में एटी टू वैल्यू क्या है कॉमन है तो दोनों में मैंने इधर डाल दिया रैंक थ्री एंड फोर लेकिन हम थ्री और फोर फोर ये नहीं देंगे दोनों का जो एवरेज है यानी क्या थ्री पॉइंट फाइव एंड थ्री पॉइंट फाइव ये रैंक हमने डाल दिया देन नेक्स्ट एटी फाइव उसको रैंक अभी हम रैंक डायरेक्टली फाइव देंगे देखो थ्री एंड फोर ये कट कर दिया दोनों में एवरेज डाल दिया ओके okay, और अभी हम डायरेक्टली उसकी नेक्स्ट वैल्यू यानी ले लिया देन नेक्स्ट इज सिक्स सेवन एंड एट एंड देन तो हमने टोटल रैंक जो है फैक्ट्री के जो रेट्स थे वो लिख के हमने उसको दे दिया अब ये जो रैंक आया है फैक्ट्री वन का रैंक और फैक्ट्री टू के रैंक इसका एडिशन करेंगे तो यहाँ पे अभी ये दोनों की क्या आ गई यहाँ पे हमारे पास सम आ गया है सो हियर सम इज 19.5 एंड हियर सम इज 25.5 फाइव पॉइंट ओके अभी हमारे पास Uh, जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है वो किसका लेना है फैक्ट्री वन या टू का ये डिपेंड है जिसमें सैंपल साइज कम है तो हमको पता है फैक्ट्री टू जो है उसमें कितने हैं टोटल सैंपल्स ओनली लेकिन फैक्ट्री वन में फाइव है तो हमको कंसर क्या करना है फैक्ट्री टू क्योंकि नंबर ऑफ सैंपल्स खाली फोर है यहाँ पे कम है तो इसके लिए इसका जो रैंक आया है रैंक क्या आया है ट्वेंटी ये हम कंसर करेंगे हमारे टेस्ट के लिए सो so नेक्स्ट हमने टी टू जो है ये जो रैंक्स आए थे फर्स्ट इसमें फाइव थ्री पॉइंट फोर एट एंड नाइन ये जो रैंक टेस्ट में लिख दिए और यहाँ पे जो एडिशन आया था इज वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया दैट इज ट्वेंटी फाइव पॉइंट फाइव नाउ यू कैन कंपेयर ये जो वैल्यू आई है ये वैल्यू कहाँ पे आई है दिस वैल्यू इज कमिंग इन साइड दिस मतलब ट्वेंटी एट के नीचे है और ट्वेल्व के ऊपर है तो ये कौन से रीजन में आ गई डू नॉट रिजेक्ट के रीजन में आ गई मतलब नल हाइपोथेसिस अभी रिजेक्ट नहीं होगा उसको हम एक्सेप्ट करने वाले हैं ओके सो ये वैल्यू को हमको कंपेयर करना है ये वाले रीजन के साथ सो आफ्टर दैट आर डिसीजन इज डू नॉट रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस एट द सिग्निफिकेंट लेवल जीरो पॉइंट जीरो फाइव सो हियर कंक्लूजन इज देर इज नो इविडेंस ऑफ अनईक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इसके लिए हम बोल रहे हैं कि फैक्ट्री वन और फैक्ट्री टू के जो रेट्स है वो क्या है इक्वल है काफी सिमिलर है दे आर नॉट डिफरेंट दे आर वेरी सिमिलर टू ईच अदर सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ विल कॉक्स रैंकसम टेस्ट द नेक्स्ट पॉइंट जो है हम नेक्स्ट देखेंगे लेकिन इस टेस्ट में अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं आपको लगता है कि रिविजन लेना है एक बार ये टेस्ट का तो हम रिविजन भी ले सकते हैं